नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। मेरा नाम स्नेहा माझी। कहाँ से आए हो? भाभरा समिति से हूँ। कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के रक्षक, देखा जाए तो पूज्य परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी, पूज्य नारायण साईं जी हैं। इन्होंने इनका पूरा बचपन आदिवासी क्षेत्रों में दिया है और हम लोगों को भी यही प्रेरणा करते हैं कि आप आदिवासी क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में जाके उनको बताया जाता है कि अपन सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म ही हमारा प्रथम धर्म है और हम लोग इस क्षेत्र में बापू और साईं जी नहीं हैं तो भी हम लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं धर्मांतरण को रोकने में। आज वहाँ पर देखा जाए तो थोड़ी देर में प्रार्थना होती है उन लोगों के द्वारा, पैसा और कपड़े वगैरह या उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें इस प्रकार बांटी जाती हैं और उनको बता दिया जाता है, तुरंत उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है। तो इस क्षेत्र में उनको जाके हमारे द्वारा समझाया जाता है, बापू जी थे तो इनको पुनः उस धर्मांतरण के क्षेत्र से वापस लाते थे। में कोई सच्चाई नहीं, आरोपों में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे आरोप तो कोई भी किसी भी लगाया जा सकता है और जो इन पर ट्रायल हुआ है, मीडिया ट्रायल है या फिर राजनीतिक प्रेशर है, वो गलत है। तो मोदी जी को जिस प्रकार उन्होंने राम मंदिर के उसमें निर्णय लिया, कश्मीर के क्षेत्र में निर्णय लिया, उसी प्रकार बापू जी के उसमें भी इनको निर्णय लेना चाहिए था। क्या मांग? मांग तो यही है कि बापू जी को सम्मान वापस हमारे बापू को लाया जाए। उनका यही कहना है कि भले आसाराम जी बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद हो, नारायण साईं जी सूरत लाजपुर जेल के अंदर बंद हो, लेकिन बोले हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। बहन ने धर्मांतरण की बात की तो ईसाई मिशनरियाँ हिंदू को कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती है, तो बापू और बापू के भक्तों ने वहाँ जाके फिर से उनको हिंदू धर्म में वापस लाया था। इसी वजह से आसाराम जी बापू और नारायण साईं जी को फंसाया गया। भक्तों का तो यही कहना है लेकिन हिंदूवादी संगठनों का भी यही मानना है और आज भी ये भक्त बापू को निर्दोष मानते हैं और सरकार से लगातार ये भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को, जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत लाजपुर जेल से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन।